क्या आपको किचन चिमनी साफ करना बहुत ही टाइम टेकिंग लगता है, या सब्जी लेने जाए और सब्जी का बैग ही नहीं मिलता है, या फिर आप डस्टबिन कवर निकालने जाए तो पूरा ही डस्टबिन कवर फैल जाता है, या फिर आप बर्तन धोने जाए और काउंटर टॉप पूरा ही गीला हो जाता है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, वेलकम टू श्वेता दुनिया। इन टुडेस वीडियो आई विल शेयर विद यू सम यूजफुल टिप्स जिनको फॉलो करके आप थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। और आज की भागदौड़ की जिंदगी में बर्तन कौन धोते नहीं चाहता टाइम है बर्तन अपना रखने के थोड़ा लिए, सा धुले समय हुए बर्तन चुराना। रखने के लिए सो आप लेट्स अगर स्टार्ट। ऐसा बास्केट यूज करेंगे जिसके नीचे एक ट्रे हो तो बर्तन का पूरा पानी उस ट्रे में जमा हो जाएगी और आपका काउंटर टॉप बिल्कुल गीला नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई बास्केट नहीं है तो आप ऐसा बास्केट यूज़ करें जिसके नीचे कोई भी होल ना हो, तो पूरा पानी वो बास्केट में ही रहेगा और बाद में आप वो पानी फेंक सकते हैं। और मैं बर्तन धोने के तुरंत बाद ही सिंक भी साफ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही हार्ड है। एक बार पानी का दाग हो जाता है तो उसको चुराना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है, तो इसलिए मैं तुरंत ही साफ कर लेती हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाता है। रोटी बनाते समय आप चकले के नीचे अगर ऐसा कोई टेबल मैट रख देंगे तो मैदा या आटा बिल्कुल ही काउंटर टॉप में नहीं गिरेगी और बाद में आप इस आटे को वो डब्बे में रख सकते हैं और बाद में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इससे आटा भी खराब नहीं होगा और आपका काउंटर टॉप भी बिल्कुल साफ रहेगी। देखिए इसमें पूरा आटा जमा हो गया और मैं इस चकले और बेलन को भी मैं एक कपड़े की जो बैग आते हैं उसमें रख देती हूँ ताकि इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना जाए इसके ऊपर से, इसलिए। और देखिए ये मैं आटे को इसी डब्बे में रख दूँगी और अगले दिन मैं इसको फिर से यूज़ करूँगी। मैं ऐसे पुराना नरम साफ कपड़ा छोटे छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ और उसको एक सिरेमिक जार में स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि वो फंक्शनल और डेकोरेटिव दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए। इससे जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो नैपकिन की जगह मैं ये यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैं इससे अपना किचन चिमनी वाइप कर सकती हूँ या फिर काउंटर टॉप पे या ओवन में कुछ गिर जाए तो तुरंत उससे एक निकाल लेती हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा, और उससे तुरंत साफ कर लेती हूँ। और उसको आप फेंक भी सकते हो या रीयूज़ भी कर सकते हो धो के, तो रिसाइकल का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए और एक समय बचेगा आपका। अगर खाना बनाते समय आप हर समय ऐसे एक जग में पानी रखें तो देखिएगा, आप जग में पानी देना बहुत ही इजी होता है सब्जी में या चाय बनाने टाइम। अगर आप बॉटल में रखोगे तो बॉटल खोलने का झमेला होता है, तो इससे आपका समय थोड़ा सा तो बचेगा ही। खाना बनाते समय हमें एक स्पून रेस्ट की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास तो स्पून रेस्ट नहीं है अभी, तो मैं क्या करती हूँ, एक कोस्टर को ही मैंने अपना स्पून रेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो इसको और भी सुंदर दिखा सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी प्रिंटेड जो टेबल मैट आता है उसको ऐसे राउंड शेप में काट लीजिए और इसके ऊपर चिपका सकते हैं
वो भी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ये मेरा थोड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए बोल रही हूँ। अगर आपके पास नया कोई भी कोस्टर हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को बिल्कुल ही मत फेंकिएगा, इसको अच्छे से धो के सुखा लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद है। हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ये पता है, मैं तो सिर्फ एक बार याद दिला रही हूँ आप लोगों को। छन्नी साफ करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाती है, ये बहुत ही जल्दी ऐसा काला पड़ जाता है। मुझे पता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इसको बर्नर में रख के साफ कर लेते हैं, लेकिन मैं आज एक अलग तरीका आप लोगों को बताऊंगी। इसको एक गर्म पानी में एकदम जैसे डूब जाए ऐसे रखिए। इसके लिए आपको जितना भी पानी चाहिए गर्म पानी ही दीजिए, और इसमें मिलाइए थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा आती है वो, और इसमें थोड़ा सा लिक्विड डिशवाशर, और इसको 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको भीगने दीजिए गर्म पानी में। देखिए कैसे इसका काला ऐसे ही निकल गया सारा, और ये बिल्कुल साफ हो गया है। आप इसको धो लीजिए एक बार अच्छे से, बस हो जाएगी। हैंड टॉवल जो है वो ऐसे फिक्स्ड नहीं रहता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसके पीछे एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लगा देती हूँ, इससे ये बिल्कुल ही नहीं हिलती है। आप जितना भी इसमें पोंछे हाथ, ये बिल्कुल ही नहीं हिलेगी। किचन का सामान लाने के लिए जितना भी बैग्स है मेरे पास, उसको मैं एक साथ इकट्ठा एक बैग के अंदर रख के उसे किचन में ही रख देती हूँ, ताकि जब भी सामान लाने जाऊँ तो मुझे तुरंत बैग्स मिल जाए। और इसमें सारा ही डस्टबिन कवर हैंग कर दिया है, और अब जब मुझे एक की ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक आसानी से निकाल लेती हूँ, बिल्कुल ही ये नहीं फैलता है। और देखिए डस्टबिन से अगर कवर बड़ा है तो वो अंदर चला जाता है, तो मैं इसलिए क्या करती हूँ, इसके दोनों साइड में 2 गांठ बांध देती हूँ, और ये बिल्कुल टाइटली इसमें फिक्स्ड हो जाती है और बिल्कुल नहीं सरकता है। देखिए जब भी आप काउंटर टॉप साफ कर रहे हो तभी आप किचन चिमनी को भी साथ में ही साफ कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, रोज अगर आप साफ करेंगे तो एक दिन के लिए आपको किचन चिमनी साफ करना झमेला नहीं लगेगा। इसको मैं लाइजॉल से रोज साफ कर लेती हूँ, ये अच्छे से साफ रहता है इससे, और जब भी मैं इसका डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप भी लाइजॉल से एक बार साफ करके देखिए, बहुत ही अच्छे से साफ होता है। और लगे हाथ स्विच बोर्ड्स को भी साफ कर लीजिए लाइजॉल से, ध्यान रहे आप स्विच बोर्ड को, मतलब स्विच को ऑफ करके ही इसको पोछे और अंदर बिल्कुल ना डालें। क्या आपको और किचन टिप्स की जरूरत है? Please let me know in comment box. Give this video a big thumbs up.
share it with your friend and family. And new friends, please subscribe my channel. To subscribe my channel, press this red button here in below. And वो बेल बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर ये बेल बजाएंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी. और मैं आप लोगों के साथ फिर मिलने आ जाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मजे से रहिए. नमस्कार.